मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा से क्यों परेशान हुई शिवराज सरकार? क्या एमपी में शिवराज सिंह चौहान का खेल बिगाड़ेंगे कंप्यूटर बाबा? मध्य प्रदेश के 5 बड़े साधु संतों को अपने पाले में लाने के लिए शिवराज सरकार ने एक बड़ी पहल की थी। सूबे के इन संतों को राज्य मंत्री बनाए जाने के कदम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक महत्वाकांक्षी कदम माना जाता रहा था, लेकिन अब इन्हीं में से एक संत की नाराजगी ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। दरअसल संत नामदेव उर्फ कंप्यूटर बाबा ने राज्य मंत्री के दर्जे से इस्तीफा देकर सूबे की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार के काम करने के तरीके से नाराज कंप्यूटर बाबा अब खुलेआम सीएम शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। खबरों की माने तो कंप्यूटर बाबा संतों के समागम में मन की बात के जरिए शिवराज सरकार पर निशाना साधेंगे। बताया जा रहा है कि कंप्यूटर बाबा ग्वालियर में 30 अक्टूबर, खांडवा में 4 नवंबर, 11 नवंबर को रीवा और 23 नवंबर को जबलपुर में संतों से मुलाकात करेंगे। हालांकि कंप्यूटर बाबा की नाराजगी से परेशान बीजेपी ने उन्हें मनाने का काम शुरू कर दिया है। खबरों की माने तो बीजेपी इसके लिए दूसरे राज्यों के बड़े बड़े संतों को कंप्यूटर बाबा के पास भेजने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी जूनापीठ के पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी को कंप्यूटर बाबा के पास भेजने वाली है। कंप्यूटर बाबा के इस फैसले को उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। कंप्यूटर बाबा ने हाल ही में बीजेपी के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की थी, लेकिन पार्टी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बीजेपी कंप्यूटर बाबा को मनाने में कामयाब होती है या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।